दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी हमेशा न्यूज में ये जरूर देखते होंगे कि इंसान के द्वारा जानवरों पर बुरा व्यवहार करा जाता है और इसी वजह से कई जानवर आजकल लुप्त हो चुके हैं। तो आज हम आपको 104 साल पुरानी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर मुल्क को अपराधियों को सजा देने के लिए नए नियम और कायदे बनाए गए हैं। जितना घिनौना अपराध होता है उसके लिए सजा भी उतनी ही बड़ी होती है। अक्सर इंसानों को फांसी देने की बात आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी हाथी को भी फांसी की सजा सुनाई गई हो? जी हाँ, ये सुनने के बाद आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। आज से 104 साल पहले अमेरिका में यह वाक्य घटा था। उस समय अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथी को फांसी देने के नारे लगाए थे। यह घटना 13 सितंबर साल 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज्यादा लोगों के बीच मैरी नाम के एक हाथी को फांसी पर लटकाया गया था। इस क्रूर सजा के पीछे की वजह बहुत अजीब थी, जिसके बारे में सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल चार्ली संपर्क नाम का एक व्यक्ति टेनिस के स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलाता था। उसके पास कई जानवर थे, जिसमें से मैरी नाम का एक एशिया हाथी भी था। कहते हैं कि एक दिन मैरी के ट्रेनर ने किसी वजह से सर्कस को छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी जगह पर किसी दूसरे ट्रेनर को रखा गया। नए ट्रेनर को मैरी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और ना ही मैरी उस ट्रेनर की तालमेल बिठा पाया, इसलिए मैरी को कंट्रोल करने में नए ट्रेन काफी परेशानी आ रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच परेड निकाली गई एक दिन। इस दौरान रास्ते में मैरी को कुछ खाने पीने की चीजें दिखी, जिसके चले ही तेजी से वह भागने लगा। अब नए ट्रेनर ने हाथी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हाथी नहीं रुका। इस दौरान ट्रेनर ने उसके कान पर पीछे से भाला घोंप दिया, जिसमें गुस्से में आकर हाथी ने नीचे उसे पटक दिया और उसके ऊपर पैरों के नीचे से कुचल दिया। कुछ लोगों ने हाथी को मार डालने के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अगले दिन अखबारों में इस घटना को खास तौर पर जगह दी गई। शहर के ज्यादातर लोग सर्कस के मालिक चार्ली संपर्क से मैरी को मृत्यु दंड देने की मांग करने लगे। इसके साथ इन्होंने धमकी भी दी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो शहर फिर कभी सर्कस नहीं चलाने देंगे। कई लोगों ने हाथी को ट्रेन से कुचलवाने को कहा तो कई लोगों ने करंट द्वारा मारने को उनको बताया। ऐसे में लोगों की जिद के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और एक दिन 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को लोगों के बीच में फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसानों की क्रूरता को सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है। दोस्त आज का तो गया हमारा पूरा। आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि जानवरों के प्रति ऐसे बुरे व्यवहार करने वाले इंसानों को आखिर क्या सजा देनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर बताना, ताकि उन सभी को ऐसी न्यूज मिल सके। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।